गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, एज यू नो आर चैप्टर 14 वर्ब्स इज गोइंग ऑन। हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर नंबर 14 वर्ब्स। तो हमने ए बी एंड सी पार्ट कर लिया था एक्सरसाइज का, आज हम करेंगे सी एंड डी पार्ट। सॉरी, वी हैव डन ए एंड बी पार्ट, आज हम सी एंड डी पार्ट करेंगे। हम करेंगे पार्ट सी, कंप्लीट दिस पैराग्राफ यूजिंग सुटेबल वर्ब्स। देखो इसमें क्या है कि हमने बहुत सारे वर्ब्स सीखे थे, विच आर इज़ एम आर भी सीखा था और हैज हैव भी सीखा था। इसके साथ साथ हमने लास्ट चैप्टर में भी वर्ब्स किए थे विच आर, कि कोई भी हम डूइंग वर्ब ऐड करके क्वेश्चन को कंप्लीट करते थे, सेंटेंस को कंप्लीट करते थे। ऐसे ही आज हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग द सुटेबल वर्ब्स लाइक राइनोस डैश ह्यूज एनिमल्स। राइनोस प्लूरल है। सबसे पहले देखो कि राइनोस के आगे एस लगाया हुआ है, राइनो के आगे एस लगा हुआ है, सो इट इज प्लूरल। तो हम लगाएंगे राइनोस आर ह्यूज एनिमल्स। दे डैश इन द जंगल्स ऑफ असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। वो क्या करते हैं असम के जंगल्स में, क्या करते हैं? रहते हैं। तो हम लिव लगाएंगे, लिव्स नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दे वर्ड यूज हो रहा है, प्लूरल के लिए हो रहा है। तो वो कहां रहते हैं? असम के जंगल्स में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं। दे डैश प्लांट्स, वो क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। दे ईट प्लांट्स। दे डैश अ हॉर्न ऑन देयर नोज, उनके नोज पे एक हॉर्न है, सो दे हैव अ हॉर्न ऑन देयर नोज। द हॉर्न्स डैश यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी मेडिसिन्स एंड अदर आइटम्स। वो जो हॉर्न्स हैं वो कहाँ यूज होते हैं? ज्वेलरी बनाने में यूज होते हैं, मेडिसिन्स बनाने में यूज होते हैं और बाकी अदर आइटम्स बनाने में। सो द हॉर्न्स आर प्लूरल, तो हम इसमें आर यूज करेंगे। एंड दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल। वो क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, तो दे है इसलिए हमने आर लगाया। ओके, सो नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द वर्ब्स इन द हेल्प बॉक्स। देखो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है नीचे, ठीक है, हेल्प बॉक्स गिवन है। सो उन हेल्प बॉक्स की में से जो वर्ड्स हैं उनको देख के हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। सो व्हाट इज, सबसे पहले है आई डैश द एल्डेस्ट इन माई फैमिली। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? am, so I am the eldest in my family, so I have a big room. तो मेरा जो room है वो बहुत बड़ा है। It has a large window. एक window है ना, window one window है, तो it के साथ आएगा has. The window dash in the garden. Window कहाँ होती है? ओपन होती है गार्डन में। द विंडो ओपन्स इन द गार्डन। माय रूम डैश टेबल बेड चेयर एंड कबर्ड। मेरे रूम में क्या है? माय रूम हैज, मेरे रूम में एक बेड है, टेबल है, चेयर है, कबर्ड है। द टेबल एंड बेड डैश नियर द विंडो। टेबल एंड बेड क्या है? विंडो के नियर है। तो टेबल और बेड है प्लूरल, दो चीजें हैं, टेबल भी और बेड भी, तो इसलिए इनके साथ लगेगा आर। द टेबल एंड बेड आर नियर द विंडो। अ लॉट ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर कम्स इनटू माय रूम, मेरे रूम में आती हैं, तो हम लगाएंगे कम्स इनटू माय रूम।
माई रूम डैश नेक्स्ट टू माई पेरेंट्स रूम. माई रूम रियोम सिंगल रूम है तो इज माई रूम इज नेक्स्ट टू माई पेरेंट्स रूम. आई लाइक माई रूम. समझ आई? तो आपकी क्या हो गया एक्सरसाइज ए बी सी एंड डी. एक्सरसाइज चारों कंप्लीट हो गई. इसके साथ साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश. इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. वो देखते हैं कौन सा चैप्टर करना है. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस विल बी योर होमवर्क. यू हैव टू कंप्लीट द बुक साइड बाय साइड. आपको साथ की साथ बुक कंप्लीट करनी है. आपको पीडीएफ उसकी मिल रही है. ओके सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.